हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीके क्लासेस ऑफ फन एंड लर्न स्कूल स्टैंडर्ड फिफ्थ। दिस इज सॉल्यूशन वीडियो यूनिट थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, आप स्टैंडर्ड फिफ्थ की ये एमसीक्यू है, जो ये सॉल्यूशन वीडियो है। आपको इसको ध्यान से सुनना है, फिर अपने बुक्स में आपको साथ में ओपन कर लीजिएगा और साथ में टिक लगा लीजिएगा, फिर आप इसको नोटबुक में लिखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज सिचुएटेड। तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरबिया, दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा डी, न्यूयॉर्क। ओके, तो आपको डी के बॉक्स में आपको टिक लगानी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज भुज काफिला इज सिचुएटेड। इसका ऑप्शन है हांगकांग, दुबई, न्यूयॉर्क, चियांगो। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन इसका होगा डी। अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। फिल द ब्लैंक्स। एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हो हरे। ऑप्शन डी, डी के बॉक्स पे आपको टिक लगानी है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, जिम्बो एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट। तो उसका ऑप्शन ए है यूएसए, बी साउथ कोरिया, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो सही ऑप्शन होगा साउथ कोरिया, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कुतुब मीनार इज स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट फिल द ब्लैंक्स मीटर्स। तो ए है 76, बी है 75, सी है 74 एंड डी है 73। इसका सही ऑप्शन होगा 73। ओके, फिफ्थ का ऑप्शन डी 73। अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। फिल द ब्लैंक्स इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी क्या है? तो ऑप्शन ए है येन, क्रोन, यूरो। यहाँ पर होगा ए, सही ऑप्शन होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर सेवन, फिल द ब्लैंक्स इज ए करेंसी। अब ये कहाँ की करेंसी है? ए यूरो, बी येन, सी कोरियन और डी योन। तो इसमें क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर एट, चाइना करेंसी है फिल द ब्लैंक्स नेम। ओके, तो ए है 3, बी में है 2 और सी में है 4, डी में है 8। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा राइट आंसर? बी। आपने देखा 8 का क्या होगा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निर्गिरा फॉल्स इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स। इट इज ए सिचुएटेड इन। तो होगा ऑप्शन सी, यूएसए कनाडा बॉर्डर। ऑप्शन सी, यूएसए कनाडा बॉर्डर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, द बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड इज कॉल्ड। तो 10 का होगा ऑप्शन डी, ऑर्डर नेसी लाइन। ऑप्शन डी का होगा, क्वेश्चन 10 का होगा सही आंसर डी। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 11, द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी इज कॉल्ड। तो सही ऑप्शन होगा उसका ए। ओके, सही होगा मेन लाइन, सही ऑप्शन उसका होगा ए।
अभी 12 नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन ए लंदन, बी पेरिस, सी वाशिंगटन एंड डी, तो इसका सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन होगा 12 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गेजेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट इन सिचुएटेड इन होगा सही ऑप्शन ए। 13 का आपको ए नंबर के बॉक्स पे टिक लगानी है। ओके, 13 का ए। अभी नेक्स्ट 14 देखते हैं। अभी 14 नंबर देखेंगे। फेडरल पार्लियामेंट्स इज द पार्लियामेंट्स ऑफ ईरान, फिर है जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको सी के बॉक्स में टिक लगानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड नेशन असेंबली इज द पार्लियामेंट्स ऑफ, ए होगा स्पेन, बी होगा अफगानिस्तान, सी होगा आइसलैंड, डी होगा ईरान। सही ऑप्शन होगा बी। 15 का होगा ऑप्शन बी। तो ये आपका सोल्यूशन वीडियो था। यहाँ पे आपका सोल्यूशन वीडियो अब समाप्त करती हूँ। ओके, इसके साथ पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ, उसको देखकर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, सो यहाँ पे यूनिट 3 आपका ख़त्म होता है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।